Hello everyone, welcome back to All in One YouTube channel। आज के इस वीडियो में हम लोग हेडफोन के रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो हेडफोन है वो JBL का वायरलेस हेडफोन है जो कि ब्लूटूथ के साथ हम अपने मोबाइल को या लैपटॉप को या किसी भी ब्लूटूथ सपोर्टेड डिवाइस को इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस हेडफोन के बारे में जिस हेडफोन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, एक्चुअली ये हेडफोन जो है वो मार्केट में 2-3 महीने पहले आ चुका है और इसको मैंने 2-3 महीने यूज़ किया है और इसके बाद मैं इसके बारे में रिव्यू बताने वाला हूँ, ताकि आपको जो रिव्यू मिले वो पूरे टोटली जेन्युइन रिव्यू हो। इस हेडफोन को मैंने, जैसे कि मैंने बताया, 3 महीने पहले मैंने इसको परचेज़ किया है और मैं इसको अब तक यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको जो मैंने परचेज़ किया है वो अमेज़ॉन की साइट से किया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्टली अमेज़ॉन की साइट पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अमेज़ॉन टाइप करना होगा, अमेज़ॉन गूगल। इसमें से जो पहला वाला रिज़ल्ट आया है हमें, उस पर हमें सिंपल क्लिक करना है तो हम डायरेक्टली अमेज़ॉन की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन प्रोवाइड किया है अमेज़ॉन ने, यहाँ पे हमें टाइप करना है अपने हेडफोन की जो भी नाम है। आज के हमारे प्रोडक्ट का नाम है JBL हेडफोन वायरलेस। तो डायरेक्टली हम ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हेडफोन्स आए हैं बट हम जो रिव्यू करने वाले हैं वो JBL का हेडफोन है, तो हमें देखना पड़ेगा कि लिस्ट में कहाँ पे वो अवेलेबल है। तो ये रहा, ये जो JBL का है T460BT एक्स्ट्रा बास वायरलेस ऑन ईयर हेडफोन विथ माइक। तो ये जो हेडफोन है इसके साथ माइक भी प्रोवाइड किया गया है जिससे हम फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कॉल आती है तो आपको हेडफोन डिसकनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली ये हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो ये माइक सपोर्टेड हेडफोन है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो हेडफोन हमें मिल गए हैं, तो इसमें से इसमें दो कलर साथ है, एक ब्लैक है और एक ब्लू है, बट जो मैंने जो ख़रीदा है वो ब्लू कलर वाला है। तो हम चलते हैं इसके डिटेल में, देखते हैं कि इस हेडफोन में है क्या। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने हेडफोन जो है वो ओपन किया है। अगर इसके हम इमेज देखेंगे जूम करके, तो जो इसमें एज़ इट इज़ जैसे ही इमेज में दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि इमेज में कुछ और दिखता है और हमें डिलीवर्ड कुछ और होता है, बट इस केस में इस JBL का जो हेडफोन है ये बिल्कुल एज़ इट इज़ दिखता है हमें, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। तो इसके प्राइस के बारे में देखा जाए तो इसका प्राइस जो है MRP है वो 3,499 रुपीज़ है, बट कुछ डिस्काउंट या फिर जो भी अमेज़ॉन के ऑफ़र्स होते हैं वो सब मिला के हमें इसका डील प्राइस जो है अभी ये मिल रहा है हमें 2,399 रुपीज़ में। जब मैंने जब ये हेडफोन परचेज़ किया था तो इसका प्राइस कुछ था 2,850 रुपीज़ आई थिंक। तो यहाँ पे अभी इसका प्राइस भी कम हो चुका है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई हेडफोन अच्छा लेना है तो ये सबसे सही ऑप्शन है अभी के लिए। यहाँ पे जो हेडफोन है इसके डिफरेंट एंगल भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे साइड। ये हेडफोन जो है इसको इजीली फोल्ड भी किया जा सकता है और ट्रैवलिंग में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग डायरेक्टली इसको फोल्ड करके छोटी सी जगह में भी रख सकते हैं और इसके डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं, ये साइड व्यू से, ये फ्रंट व्यू, और यहाँ पे इसके साथ हमें एक USB केबल भी आता है जो कि चार्ज करने के लिए इसका यूज़ होता है। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे पूरा डिटेल हमें मिल जाएगा अमेज़ॉन की साइट पे। तो इसका ब्रांड जो है वो, जैसे कि आपको पता है कि ये JBL ब्रांड का हेडफोन है, इसका मॉडल जो है, मॉडल नंबर या फिर मॉडल नेम जो होता है वो है T460BT। सेम मॉडल नेम सेम है, मॉडल और मॉडल नेम सेम ही है।
इसका अगर वेट के बारे में इसका बात किया जाए तो ये बहुत ही लाइट वेट है, ऐसे लगेगा भी नहीं आपको कि कुछ हेडफोन हमने पहन लिया है। बहुत ही लाइट वेट हेडफोन है, इसका वेट जो है वो 145 ग्राम है। इसका प्रोडक्ट डायमेंशन जो है 18.5 बाय 7.6 बाय 15 सेंटीमीटर का है। मॉडल नंबर जो है सेम, मॉडल नेम और मॉडल नंबर सेम ही है इसका। तो इसमें फीचर्स क्या क्या दिए हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विथ माइक्रोफोन, जैसे कि हमने पहले बात की है कि इसमें माइक्रोफोन है, तो अगर आपकी कोई कॉल आती है तो आप डायरेक्टली इससे बात कर सकते हैं। इसमें जो दिए हैं वो वॉल्यूम बटन्स भी दिए हैं और ये वायरलेस है, जिसको हम ब्लूटूथ के साथ आराम से किसी भी ब्लूटूथ सपोर्टेड डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें अभी ये जो आप परचेस करोगे तो इसका जो बॉक्स रहेगा उसमें क्या क्या आने वाला है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है। वन पेयर ऑफ ये जो हेडफोन है वो, फिर वन डेटा केबल जो कि चार्जिंग करने के लिए यूज़ होगा, वन चार्जिंग केबल। ये जो डेटा केबल और चार्जिंग केबल है ये सेम ही है, तो पता नहीं यहाँ पे दो बार क्यों लिखा है। सो वार्निंग कार्ड रहेगा इसमें, और इसके साथ आपको एक वारंटी कार्ड भी मिलेगा और सेफ्टी सीट, आपको अगर कैसे यूज़ करना है इसके बारे में कुछ थोड़ी जानकारी इसमें दी गई होगी। इसमें एक हेडफोन आएगा आपको, तो हेडफोन फ्रॉम हेडफोन्स फ्रॉम फैक्टर विथ माइक्रोफोन वॉल्यूम कंट्रोल वायरलेस है। बैटरीज इंक्लूडेड नो, इसमें कोई बैटरी इंक्लूड नहीं होती है। बैटरी इसमें जो है वो इंटरनल ही है, तो हमें एक्सटर्नल कोई बैटरी इसका लगाने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्टर टाइप जो है जैसे हमने बताया कि ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, और इसमें कोई टाइमर वगैरह है नहीं। जो टाइमर होते हैं ना कि अपने आप इतना टाइम होने के बाद मेरा हेडफोन ऑफ होना चाहिए और ऐसे कुछ, तो इसमें वो टाइमर सपोर्टेड नहीं है। अगर हम इसके कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे जो मिडल वाला है वो पॉज का बटन है, अगर आप म्यूज़िक चला रहे हो और आपको पॉज करना है तो ये मिडल वाला बटन है। तो ये जो राइट साइड में है वो वॉल्यूम इंक्रीज करने का बटन है, और ये जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज़ करने, जैसे साउंड होता है उसको कम और ज़्यादा करने के ये दोनों बटन है, और मिडल वाला जो है वो उसका पॉज करने का बटन है। तो और इसमें और एक बटन होता है जो कि ऑन और ऑफ करने के लिए होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो एक बटन दिया हुआ है ये वाला, तो ये हेडफोन को ऑन और ऑफ करने का बटन है। इसको आपको 2 से 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, जैसे आप प्रेस करते हो इसका जो है वो हेडफोन ऑन हो जाएगा आपका, और जब भी आपको ऑफ करना है तो फिर से इसको 2 या 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, जैसे वो फिर से ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइट दी गई है छोटी सी जो कि ब्लू कलर की आती है, जैसे हेडफोन ऑन हो जाता है ये लाइट चालू हो जाएगी। इसमें और एक सॉकेट दिया गया है ये वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इससे हम हेडफोन अपना चार्ज कर सकते हैं। अगर इसके चार्जिंग टाइम की बात करी जाए तो इसको फुल चार्ज करने के लिए नियर अबाउट 1 आवर 25 मिनट या 30 मिनट लग सकते हैं आपको। और इसका जो बैटरी बैकअप है वो अगर आप कंटिन्यू भी सुनते हैं, एक्चुअली मैंने कंटिन्यू कभी सुना नहीं है, बट एज़ पर स्पेसिफिकेशन इसमें जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली ये 8 to 9 आवर्स का बैटरी बैकअप देता है। बट मैंने जो यूज़ किया है तो कंटिन्यू तो नहीं सुना है, बट ये नियर अबाउट मान लो 8 आवर्स तो इसका बैटरी बैकअप रहेगा ही। अगर इसके कलर की बात की जाए तो ये जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे कि ये 3 कलर में अभी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। तो एक जो है ब्लैक कलर में है, एक है ब्लू कलर में, और थर्ड जो है वो है वाइट कलर में। तो जो अगर प्राइस देखा जाए तो तीनों कलर वेरिएंट का प्राइस जो है वो बिल्कुल सेम है, तो आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं आपके पसंद के हिसाब से। तो यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है आप इसको भी ध्यान से पढ़ सकते हो, और अगर आप बाय करना चाहते हो कोई अच्छा वाला हेडफोन तो ये बेस्ट हेडफोन है इस रेंज में। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा ही कि आप ये हेडफोन बाय कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।